जाओ, वो बहुत भारी है, इसको रखो ऐसे, गिर जाएगा था मम्मी। वैसे अब हो तो केटीएम पर तू कुछ ढोवे तो गेहूं। अरे से बैठो ठीक खाऊ दिखा दे बो। जय माता दी। अरे भाई मम्मी का अलग सीन चल रहा है, सुबह सुबह ही कहाँ राइड पे निकलने का सोच रहा था और क्या हो गया, केटीएम पर गेहूं ढुलवा रही हूँ जी। जाओ भैया ये देखो, कितना 28 किलो 940 लिख दो। दूसरा ये है कि तेल वेल देख लेते हैं, क्या है कि उधर दिख नहीं रहा, टंकी पर नहीं पहुंचा तो मेरा तो लग जाएगा। इससे अच्छा यहाँ से देख लो, क्योंकि गाड़ी निकाल ही नहीं रहा हूँ तीन चार दिन, तो क्या बोल रहा हूँ आपको, अफसोस वो बोल रहा हूँ आपको, पता नहीं आवाज़ आता है कि नहीं। जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा, पर इधर नहीं रोड होगा तो आपको जाएगा। ऑटो फाइव मेरा ये जो है ना चेस्ट कार, हाँ राइडर के लिए बहुत बेस्ट चीज है, ये तो अच्छा चीज है। बट इसको मैं जो है अभी क्या कर रहा हूँ, और जो है कंपनी को पॉइंट दिया है। अच्छा, आपका खुद का कंपनी से बनवा रहा है? मेरा जो है इसमें हमने पॉइंट किया है, हाँ, कि जो है वो राइडर सफिशियंट जो है उसको पहन सके। अच्छा देखिए ना कैसा क्वालिटी है, जरा देख लेते हैं हम। ये अच्छा क्वालिटी है, मतलब अच्छा बांधा हुआ है वन पीस में। मैंने इसको अभी खाली डिस्प्ले के लिए लगाया, अभी बिलिंग जल्दी करा दी। अच्छा अभी तो प्राइसिंग राइजिंग सोचा है कि नहीं सोचा? इसका प्राइस अभी आइडिया नहीं है, अभी तो जस्ट बनाया है। और सारा कुछ बहुत सारा एक्सेसरीज है मेरा, ये जो है ये कंपनी ना, हाँ आपका हुंडई होंडा किया टोयोटा, अच्छा जी टाटा 16 को फोर व्हीलर कंपनी में OEM सप्लाई है डायरेक्ट। अच्छा सीट के लिए भी ज्यादा प्रेफरेंस करता है। उसके बाद जो है टू व्हीलर में जो है हमारा ये आपका रॉयल एनफील्ड में हो गया, TVS में हो गया, अपाची TVS हो गया, यामा हो गया, सुजुकी हो गया, पियाजी हो गया, ठीक है, हीरो हीरो होंडा हो गया, ठीक है, उसमें आप सप्लाई लेंगे। अच्छा बात है, वो टैंक टैंक बैग है क्या? हाँ वो सारा टैंक बैग है, हाँ फ्यूल टैंक बैग बुलेट का है कि और मतलब आप तो वो भी मैग्नेट मैग्नेट फ्यूल टैंक भी मिल जाएगा, मैग्नेट वाला भी वो भी आएगा, ठीक है। तो सबके प्राइसिंग सोचे हैं, सिर्फ बनाए हैं अभी एकदम पक्का फुल इंस्टॉल तो लगे लोगों को अगर पसंद है तो हाँ ऊपर वाला वाटरप्रूफ केस वाटरप्रूफ है, लोग को पसंद आएंगे तो फिर काहे को बाहर जाएंगे जब उनको गया में ही सारा चीज अवेलेबल मिल जाएगा। हमारा जो राइडिंग टीम काम करता है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा लोग करते भी है सब, उधर जो है हमारा हम दो मिल करके जो है इसको लेकर के चल रहे हैं।
है तो सही प्रोडक्ट, सब कुछ मिल जाएगा, लंच बॉक्स वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है, तो अभी अभी सैंडल बैग वगैरह में मिल जाएगा। अवेलेबल तो आपको पास बहुत कुछ है, पर अभी आप प्राइसिंग ही नहीं सोचे हैं तो फिर कैसे हो जाएगा प्राइसिंग? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा प्राइसिंग, बताइए अगर सबको अच्छा लगेगा तो जरूर लेंगे। अभी जो हमारा वो देखिए वो सैडल बैग है ना, उसको हम मैट में भी कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो है धूल के अकॉर्डिंग बनाया था, बट हम उसको क्या कर रहे हैं, मैट में कर रहे हैं। इसका सीसी जो है जितना लीटर चाहिए वो उसको हम बढ़वा रहे हैं। अच्छा, कितना लीटर का है वैसे अभी बनाया है? अभी तो 10 लीटर का है। 10 लीटर का है अभी, हम इसको बढ़वा रहे हैं। ये भी आएगा सैडल बैग, इसको भी हमने मतलब दूसरे रूप दिया है। अच्छा जी, तभी आप ही का कंपनी से बना हुआ है क्या? साइलेंसर वगैरह भी बना रहा है क्या? ये तो बाहर आउट ऑफ स्टॉक है वाला। अच्छा, हैवी है भाई, ये तो पूरा हैवी है। ये तो है ना, ये हैवी है पूरा। ये जो हैवी आप देख रहे हैं, ये रॉयल फील्ड कंपनी में सबसे महंगा सर्विसिंग कंपनी का है क्वालिटी। ये लग भी रहा पूरा हैवी है, ये रख देते हैं। और रिंग उस वक्त आप सीट कवर में मंगवा रहा हूँ KTM वाला को? KTM वाला KTM, वैसे तो भाई मैं KTM KTM में तो सबका एक ही इक्वल सीट कवर होगा। हाँ, सबका KTM जो भी मॉडल है सबका इक्वल सीट है, इक्वल है, इक्वल है ना। हाँ, और एक जो ड्यूक आता है ना उसका थोड़ा सा चेंजिंग है। RC का दो मॉडल है, एक RC है एक ड्यूक है KTM में। तो जो फेयरिंग वाला हो गया वो RC में हो गया, और जो विदाउट फेयरिंग वाला वो ड्यूक में हो गया। हमारा जो सीट कवर होता है ना वो देखो क्या, ये आपको कितनों किलोमीटर आप चलाओगे पेन नहीं, नीचे से हीट नहीं होगा, पेन नहीं होगा। और कहीं मटेरियल में देखो आपको कहीं कपड़ा सिला हुआ है नहीं, कपड़ा तो सिला हुआ है। अब बेल फिटिंग जैसा ये फिटिंग है वैसे ही फिटिंग आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, बीच का मॉडल हो गया। बेसिक जो हमारा आता है ये आता है, इससे अब भी एक आता है, इससे अभी ऊपर है, इससे मिडिल पोस्टर बना है, मिडिल में है। ये मतलब एक ब्रांड है, ठीक है। ये हमारा सीट कवर जो है रॉयल एनफील्ड में 1250 रुपए का आता है। अच्छा, हमारे पास इधर आउट ऑफ मार्केट में 860 रुपए का आता है। तो कमी है, हम कस्टमर को बेचते हैं 860 रुपए, लेकिन जब हम कंपनी को बिल करते हैं उसका जब स्टाफ लग जाता है तो 400 रुपए पड़ जाता है। तो हाँ जी भाई, ऑटिफाई का ये कंपनी है, इनका खुद का है कंपनी, और बहुत सारे कंपनी में ये डील करते हैं डायरेक्ट ही खुद से भी। और भाई ये चक्कर है कि इनके पास खुद से अभी प्रोडक्ट बनाए हैं, और देखने में प्रीमियम है, कुछ अच्छा लग रहा है देखने में भी, पर एक्चुअली में अभी प्राइसिंग का सोचे नहीं है। तो जैसे ही सोचते हैं मेरे को मतलब ऑलमोस्ट अच्छा लग रहा है ये। ओवरऑल बताऊँ तो थोड़ा अगर कम पैसे में मिल रहे हैं और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, एकदम बैठने टाइप में है। तो रास्ते से जा रहा था तो यहाँ पे मेरा दोस्त का गाड़ी लगा हुआ था, अभी काम देख के यहाँ पे आ गया, सोचा कि ये भैया भी हैं जो दिखा दिए तो हम भी देख लिए, और आपको भी दिखाना बनता तो इसलिए दिखा दिए। और ये चंडीगढ़ वाला जो वहाँ पे बुलेट्स चलता है ना उसका ये रीम है, और सारे साइलेंसर वगैरह जितना भी सारा चीज़ है वो नियर भी, ये चेस्ट गार्ड हो गया, जैसे साइड बैग हो गया, फिर टैंक बैग हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ हैं ये खुद से ही अपना कंपनी में बनाया है। और ये है भाई मानपुर में, आपके शहर गया में। तो और अगर प्राइजिंग के लिए बताएंगे तो हम आपको बताएंगे, है ना। बुलेट रेफरेंस के लिए ज़्यादा मेरे हिसाब से लग रहा है, क्योंकि ये बुलेट का शॉप के पास में है और बुलेट का मार्किंग दिए हुए हैं, तो बुलेट बुलेट का ही सारा कुछ है। कहाँ से है? नहीं नहीं, आपको पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट इलाका जो है, नॉर्थ ईस्ट का है वो, क्या नाम है, कुछ यूट्यूब तो जरूर बनाते होंगे। अरे भैया और अच्छा है कि उनके साथ में ज्वाइन कर लेंगे, हम भी बाहर जाते रहते हैं, बेसिकली अभी मौका नहीं मिल रहा तो जा नहीं रहे, हाल ही नेपाल से आ रहे हैं घूम के। सीट कवर हम लाते हैं, KTM 200 cc है ना? हाँ 200 है, हम इसका सीट कवर ला रहे हैं। हाँ, और इसका शार्ट बैग वगैरह अगर आता है तो हम देखते हैं। अच्छा, टैंक बैग वगैरह तो आ ही जाएगा, आ जाएगा वो तो देख लिए अभी। नहीं, ये टैंक बैग मैग्नेट वाला हो गया, एक हो गया टैंक बैग जो टंकी के ऊपर डालो, जो मतलब थोड़ा मोटा कोई सामान हुआ, साइड वाला है, साइड वाला है। हाँ, इसको और हम आपको दिखाते हैं, एक है। और डाउन में तो क्या मजा ले रहा है ये बाद आपका, तब क्या बोल ही रहे हैं 16 से कंपनी में आपका चल रहा है ऑलरेडी तो। हाँ है तो सही चीज़, 650 पे है ना ये, 650 बाइक है रॉयल एनफील्ड का, काटना नहीं सिर्फ है वो फुल जो है डबल एक्सेल में जो है बॉडी कवर का। पहले हमारा आता था वो बॉडी कवर 995 रुपये का। अच्छा, तो उसमें पानी जाता था,
अभी जो हम कर रहे हैं वो पूरा वाटर प्रूफ पूरा ही हो गया वो, धूप से और पानी से उसको नुकसान नहीं होगा। मैं लोग सोचते हैं थोड़ा सा बजट में हो जाए और सबका भी हो जाए, इस तरह के भी सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ज्यादा पैसा लाके तो उसमें चीज भी अच्छा होता है। जो आपको हमने दिखाया है, हाँ हाँ, अब बारिश हो गई उसका वो वाटर प्रूफ का ऊपर से। अभी धीरे 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 हमारा चल रहा है प्रपोजल, ठीक है। पहले देखिए हमारा ये आता था होंडा, होंडा ये मेरा सप्लाई है, होंडा कंपनी में जा रहा है। अच्छा, अब देख रहे हैं गत्ता उत्ता सारा होंडा कंपनी का है। अभी ये जो है हमारा क्या था, पहले ये आता था हमारा ब्रांड चेंज कर दिया, ठीक है। बट अभी जो कवर कर रही है हमने वो वाटर प्रूफ किया है। जैसे आप ये फिगर में फोटो में देख रहे हो, ये फिटिंग किया हुआ है, ये कोई फोटो अलग से बनाया हुआ नहीं है। अच्छा, ये फिटिंग है, प्रॉपर लग रहा है। हाँ, अभी देखिए बुलेट जो आकर के खड़ी हुई है, इसमें मेरा शीट कवर डाला हुआ है। तो मैं सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया अचीवमेंट रिस्पांस मिल जाएगा, लेकिन क्या है अभी हमारे पूरे मगध में 6 जिला में बिल होता है शीट कवर का। अच्छा, अभी ये शीट कवर हो गया, टैंक कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर 100cc बाइक में आपका जितना लेग गार्ड वगैरह है वो सारा मैंने किया एक जेन्युइन कंपनी का। तो बढ़िया, हमको पता भी नहीं था कि हम घर मेरा पीछे ही है ना, हम इधर देखे बुलेट वाला, मतलब मेरा बाइक नहीं है तो हम रुकते भी नहीं थे, पता भी नहीं कि आपका कंपनी चल रहा है यहाँ से। आपका लंच बॉक्स वगैरह भी बढ़िया मिलेगा। हाँ, जो राइडिंग करता है उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है वो है चेस्ट गार्ड। चेस्ट गार्ड, ठीक है, थैंक यू। किसने भाई सेफ रहा माना बे, सेफ कितना सेफ रहा, एक दिन तो जाना है ही है, जाइए जाएंगे भैया जाएंगे, नहीं अभी तो घर जाएंगे भाई, हेलमेट नहीं लगा तो यहाँ से निकल दिया जाए, क्योंकि ऑटो भाई वाला तो देख लिए और भाई का अपना गाड़ी बन रहा है, उसका बुलेट लिया था एक महीना में पूरा नौटंकी लगा हुआ, क्योंकि बार बार बंद हो जाता ऑटोमेटिक उसको और चालू भी नहीं होता, पता नहीं क्या दिक्कत है।